हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की बड़ी खबर, आज हम आपको बताएंगे यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2020। जी हां दोस्तों, आ गई प्रधानों की विधायक की बेला। जी हां दोस्तों, नए कानून लागू करने पर विपक्षी दलों ने दी धमकी। जी हां दोस्तों, पहली बार होने जा रहे हैं नए बड़े बदलाव, जाने तृतीय पंचायत चुनाव की संभावित तारीख। जी हां दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कौन कौन से हैं जो नए बदलाव होने जा रहे हैं इन तृतीय पंचायत चुनावों में और कौन सी तारीख को होगा ग्राम प्रधान का चुनाव। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, एंड तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप देख के हमारी नई नई वीडियो। सबसे पहले तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, यानी यूपी पंचायत चुनाव 2020। अगर आठवीं पास नहीं है और दो से अधिक बच्चे हैं तो इस बार से आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये व्यवस्था तृतीय पंचायत चुनाव ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में लागू होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार आगामी पंचायत चुनावों में महिलाओं और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षित योग्यता आठवीं पास शैक्षिक तय यानी दय तक कर सकती है। साथ ही दो से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में अयोग्य घोषित किया जाएगा। हालांकि विपक्षी दलों के विरोध के बीच इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेना है। जी हां दोस्तों, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्य पहले ही इस मॉडल को सफलतापूर्वक लागू कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, 5 दिसंबर को यानी 25 सितंबर यानी दिसंबर को उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते योगी सरकार ने अगले वर्ष जून माह 2021 तक पंचायत चुनाव कर सकती है। जी हां दोस्तों, इस दौरान प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों को लेकर यूपी सरकार उम्मीदवारों को लेकर बड़े बदलाव कर सकती है। जी हां दोस्तों, तो नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। जी हां दोस्तों, आगामी पंचायत चुनाव में दो से ज्यादा बच्चे वाले दावेदारों को भी झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो अगले पंचायत चुनाव में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में ये फैसला सरकार का एक बड़ा कदम होगा। जी हां दोस्तों, अब अनपढ़ नहीं बनेंगे ग्राम प्रधान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत आगामी पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षिकता योग्यता तय करने की तैयारी है। चाहे वह महिला हो या फिर आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार, सभी को आठवीं पास होना जरूरी है। ये भी या दोस्तों पंचायत चुनाव के बारे में ये है, अगर आप आठवीं पास हैं तो आप ग्राम प्रधान पद के दावेदार बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर दो से अधिक बच्चे हैं तो आपको ग्राम प्रधान चुनाव में लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब विपक्षी पदों ने भी दी धमकी और इस बार नया नियम बदल गया। जी हां दोस्तों, दो से अधिक बच्चे होने पर नहीं लड़ पाएंगे इलेक्शन और आठवीं पास नहीं है तो आपको चुनाव में लड़ने का कोई वो नहीं मिलेगा मौका। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।